दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फिलहाल सोहना से शुरू होता है। दिल्ली से जयपुर जाने वाले यात्री मौजूदा समय में दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से राजीव चौक तक पहुंच सकते हैं और फिर गुड़गांव सोहना एलिवेटेड रोड के सीधे दौसा तक जा सकते हैं। धौलापुर से दौसा तक इस रोड का फैलाव करीब 195 किलोमीटर है। जयपुर दौसा के बीच की दूरी बमुश्किल एक घंटे से भी कम में पूरी की जा सकती है। कार सवार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां गाड़ी चला सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर किसी भी दोपहिया और धीमी गति से चलाने वाले वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। एनएचआई ने मूल रूप से नवंबर 2021 की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन इसे कोविड 19 की पहली लहर के कारण जून 2022 तक बढ़ा दिया गया। राजीव चौक से सोहाना तक के लिए दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे अपने अंतिम चरण में है। इसमें बादशाहपुर के आगे से सोहाना तक 13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर लोगों के लिए पहले ही शुरू किया जा चुका है। एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिए वाहन चालक बिना किसी रुकावट के अपने सफर तय कर सकेंगे। एनएचआई के मुताबिक दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे से मुंबई में जीएनपीटी तक का पूरा 1352 किलोमीटर का हिस्सा मार्च 2024 तक तैयार हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय आधा हो जाएगा। जहां कारें 12 से 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच सकेंगी, वहीं इसी दूरी को तय करने में ट्रकों जैसे भारी वाहनों को लगभग 18 से 20 घंटे का समय लगेगा। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। अभी तक एक ट्रक को दिल्ली से मुंबई पहुँचने में करीब 45 से 48 घंटे लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।